पहले इस 1982 में हम लोग संगम मंदिर के सामने थे, तो उस समय एक बाबा की ऐसी इच्छा थी कि आप एक मंदिर बनाओ, तो अच्छी बात थी। लेकिन वो मंदिर बनाते समय उनके ऐसा भी कहना था कि भाई किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, क्या चंदा नहीं लेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन किसी से कर्जा भी नहीं लेंगे। तो उस समय तो बहुत डिफिकल्ट था, हम लोग इनके बहुत बड़े नहीं थे, बहुत कुछ ऐसे कम कमाते थे, तो हम भी सोचे कि कैसे बने, तो हम डर गए। तो उससे फिर ऐसे हो गया कि जो हम काम कर रहे थे तो हमारे काम में 10% ऐसा 10% बढ़ गया। तो हमने सोचा कि ये ऊपर का पैसा हमारा नहीं, हम अगर कितने भी कैपेबल हो गए, ऊँचा हो गए, तो डबल ट्रिपल चौक, तो हमको लगे ये सब करता पैसा बाबा का पैसा। वो हिसाब से उस समय से हम लोग बाबा का मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के बाद हम जो कमाते उसमें से एवरी मंथ उनका एक जो हिस्सा है तो हम लोग बाजू में, और उस हिस्से में से हर साल हम लोग एक जगह में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है। अभी तो यहाँ पे बहुत ऐसा मुझे भी खुश होता है, कोरोना का वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए, तो ये तो कैसे बच्चे लोग मेरे छोटे छोटे थे, और कभी भी वो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन होता जो आप लोग कुछ खाओ के लिए पैसा दे गए स्कूल में जाते समय, तो वो लोग बोलिए कि भाई हमारे पैसे से अगरबत्ती लाओ, ये धूप लाओ। आज तो कैपेबल हो गए, सब तीनों लॉयर है, अच्छे कमाते हैं, तो आज तो कोई ऐसे पैसे की चिंता नहीं। लेकिन आज इस समय क्या है, कोरोना की वजह से हम लोग ये प्रोग्राम नहीं बन सकते, तो ये हमारे बिजनेस हाँ तो ये हमारे बिजनेस और बोले कि नहीं हमको ऐसा यहाँ पे अंधेरा नहीं रखना, जैसे हम लोग भंडारा करते हैं हज़ारों लोग आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब कि हम लोग कुछ एक ऐसा हम भी उनको टैक करेंगे और वो भी एक निमंत्रित लोगों को देंगे, तो जिससे कोई कोरोना भी नहीं रहेगा या कोई सोशल डिस्टेंस का भी तकलीफ नहीं, और उस हिसाब से फिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन किए थे। किस तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, किस तरह का मतलब किस तरह के साथ कोरोना के जो नियम है पालन कर रहे हैं? देखो हम लोग ने पहली बात तो क्या जितने निमंत्रित लोगों को ही ये निमंत्रण दिया, और वो आते समय हमारे पास के ऊपर जो है जैसा लिखा है, टाइमिंग दिया है कि क्राउड नहीं हो जाए। आप देखते हैं ऐसे क्या एक 7:30 बजे 8 बजे 8:30 बजे से टाइमिंग दिया है, और पास में ऐसे लिखे लेके अगर ये पास अपने लेके आएगा तो आपको एंट्री नहीं होगी, मास्क नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं रहेगी, सोशल डिस्टेंस जैसे आपको रखना है। और उस हिसाब से आप भी देखते हो ऐसे सब चल रहा है कि इस हम लोग सोचे कि हमेशा यहाँ बड़ी भीड़ रहती थी, पूजा रहती थी, हम लोग की सत्यनारायण की पूजा सत्यनारायण की पूजा रहने की ये सब भरा हुआ रहने का मैदान है। अभी इस साल क्या है कोरोना के महामारी की वजह से हम लोग ने सोचा अभी भगवान को अंधेरे में कैसे रखें, इसलिए हम लोग ने सोचा कि बुद्ध पूजा का प्रोग्राम रखें, ये रखा। हाँ लास्ट 41 ईयर्स मतलब हम लोग के बर्थ के पहले से भी मतलब ये चालू ही है, लेकिन तो जब से हम लोग छोटे थे तब से हम लोग देख रहे हैं। आज ये सब देखने में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आज ये कोरोना के वजह से हम लोग ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, फिर भी मेरे मम्मी का एक था कि हल्दी कुंकू तो होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हल्दी कुंकू उसके पैकेट बना के देंगे, कोई किसी को टच नहीं करेगा, और हल्दी कुंकू का कार्यक्रम भी करेंगे, बाबा के इधर भी सब उजाला होना चाहिए, सब लोग आने चाहिए। ठीक है कि हम लोग ऐसे उसको मेले के जैसा स्वरूप नहीं दे सकते हर टाइम की तरह, लेकिन हम लोग को बाबा के इधर करना है, एक कार्यक्रम करना है, इसके लिए आज ऐसा हल्दी कुंकू का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो हर साल यहाँ पे बाबा का वार्षिक उत्सव रहता है, भंडारा रहता है, सत्यनारायण कथा रहती है, ऑर्केस्ट्रा रहता है, बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे इन्विटेशन बढ़ते हैं, लेकिन अभी सिलेक्टेड 300-400 लोगों को हम लोग ने बुलाया है, उनको इन्विटेशन दिए और उनको बोला है आते वक्त मास्क पहन के आओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उत्सव भी होना चाहिए। ऊपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली हर साल यहाँ पे ना एकदम मेले का स्वरूप रहता था, तो ऐसा लगता था कि बस ये दिन के लिए हम बहुत वेट करते थे कि चलो मेला लगेगा यहाँ पे, बच्चे लोग जैसे बचपन से हम लोग कहते थे कि अरे मेला लगेगा हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो सब पहले से ये था। मगर ये आज अच्छा भी लग रहा है मुझे कि कोरोना है फिर भी हम हमारी एक्टिविटी नहीं रुकी,
नहीं तो हम वही टेंशन में थे कि अरे कोरोना आ गया तो कैसे होगा, अभी मीन्स कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, मगर फिर हमने डिसाइड किया नहीं हम करेंगे ज़रूर, मगर सोशल डिस्टेंसिंग टाइम स्लॉट देकर सबको, तो ये प्रोग्राम हो गया आज बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 में बाकी सालों में क्या फ़र्क ऐसा था कि पहले बहुत ज़्यादा रश रहती थी, एक मेला रहता था जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन लगती थी दर्शन के लिए, अलग अलग प्रोग्राम रहते थे, कभी ऑर्केस्ट्रा रहता था, डांस रहता था, ये सब प्रोग्राम्स रहते थे। अभी वो वहाँ वहाँ से खाली लग रहा है, अभी कैसे टाइम स्लॉट के हिसाब से आ रहे हैं 10-15 लोग, पहले ऐसे नहीं था, पहले पूरी लाइन लगती थी, पूरा बाहर भी ऐसे गेट के बाहर तक लाइन रहती थी, सत्यनारायण कथा होती थी सुबह, जैसे अभी भी हुई है, मगर अभी क्या हुआ है कि हमने फिर ज़्यादा ये नहीं किया हुआ है, सबको इन्वाइट नहीं किया था, सुबह अपने हिसाब से सब कथा पूजा वीजा हो गई है। इतना अच्छा प्रोग्राम करना भी बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जैसे टाइम स्लॉट में डिवाइड किया है, सारी पब्लिक को एक साथ नहीं बुलाया, जिनको इनविटेशन है उनको ही हम लोग टर्न बाई टर्न भेज रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा करते हैं और मेरा तो अभी आगे तो हैंड ओवर नहीं करने वाली हूँ उसमें, सब तो देखेंगे अभी कैसे होगा सब। कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पर हर साल होता है और इस साल भी हम बहुत करने चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कोविड की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करने के वजह से थोड़ा क्राउड हमारे पास इस बार कम आया है, हर साल बात होते थोड़े माया भी बदलाव के साथ पाँच छः हज़ार लोगों को खाना हर साल मिला थोड़े भी गाँव के जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, विश्वास है मुझे साई बाबा के ऊपर, अभी इतना 30 साल के बाद लोग आते हैं अच्छे से सब लोग मिलजुल के सब प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक जन मास्क लावून म्हणजे सोशल डिस्टन्स तर आहेच आणि त्याच्यामुळे कोरोना कोणाला होणार नाही, कारण सगळेजण मास्क लावून अच्छा।